नमस्कार, मेरा नाम एम ए फाबिया है। मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरकेपुर में कार्यरत हूँ, जो कि लिटिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट साउथ अंडमान अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ऐसा मंच दिया जहाँ पर हम अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को पेश कर सके दुनिया भर के सामने। मैं पिछले 25 साल से अध्यापन का कार्य कर रही हूँ, पर पहली बार अपने कार्य के लिए मुझे इतनी सराहना मिली और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जिसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और इसके लिए मैं ZIIEI का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे ZIIEI की जानकारी अपने अध्यापिका से मिली, जो पिछले साल की अवार्ड विनर थी। मैं चाहती थी कि मेरी तकनीक भी दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे और इसी उद्देश्य से मैंने इसमें भाग लिया और मैं खुद भी ZIIEI का हिस्सा बनना चाहती थी, जो कि मैं हूँ। मेरी जो हम लोग देखते हैं कि जब हम क्लास में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बढ़ चढ़ कर किसी भी क्रियाकलाप में भाग नहीं लेते और घुमसुम बैठे रहते हैं। इन बच्चों की झिझक को दूर करने के लिए और उनके अंदर की सृजनात्मक क्षमता को उभारने के उद्देश्य से मैंने अपनी इस तकनीक को अपनाया। मेरी तकनीक का नाम है स्टोरी डेवलपिंग टेक्निक, कहानी का सृजन बच्चों की मदद से। इसमें अध्यापिका सबसे पहले एक वाक्य अपनी तरफ से बोलती है, जैसे कि बहुत समय पहले की बात है या कल रात मैंने एक सपना देखा आदि। बच्चों को इसके आगे के वाक्य खुद से जोड़ने होते हैं कुछ इस प्रकार से कि ये कहानी का रूप ले लें। इस दौरान अध्यापिका ध्यान रखती है कि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी इस क्रियाकलाप में अपना योगदान दे और कम से कम एक वाक्य तो ज़रूर बोले। कहानी की समाप्ति पर बच्चों से पूछा जाता है कि उन्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली और एक उपयुक्त शीर्षक देने के लिए भी कहा जाता है, और तत्पश्चात बच्चों को इस कहानी को अपने शब्दों में लिखने के लिए भी कहा जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद कक्षा का माहौल बहुत ही बेहतरीन होता है। ऐसा लगता है कि हर बच्चा बढ़ चढ़कर अपने विचार अपने आइडियाज़ देना चाहता है और इस काम में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। मैं इस क्रियाकलाप को करवाकर बेहद खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि और लोग भी इस तकनीक को अपनाएं और अपने क्लास के सभी बच्चों को मौका दें कि वो अपने विचार व्यक्त करें। और अंत में मैं दो शब्द अपनी ओर से कहना चाहूँगी, यूँ ही नहीं गिरते फूल झोली में कर्म की शाख को हिलाना होगा। यूँ ही नहीं गिरते फूल झोली में कर्म की शाख को हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होता, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। धन्यवाद।